नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। भोपाल मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सिद्धार्थ में राजधानी भोपाल के गुहार महल में विशेष एम्पोरियम का शुभारंभ किया, जिसमें सीहोर जिले के बुदनी में लकड़ी से बने खिलौने रखे गए हैं। खिलौने खासकर बुदनी में मिलते थे, लेकिन अब यहाँ खिलौने बच्चों के लिए राजधानी में भी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। कमिश्नर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट अनुभव श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य स्तरीय कबीर और विश्वकर्मा पुरस्कार का कार्यक्रम अर्बन हार्ट भोपाल में होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती दुर्गा, जो वोन पेंटिंग आर्टिस्ट है, वही लता मुंशी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। इस कार्यक्रम में 12 उत्कृष्ट कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। केकेआर न्यूज के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। मैं अनुभव श्रीवास्तव, कमिश्नर हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जो मध्य प्रदेश राज्य में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसमें आज ओडीओपी का दिन है और आज हमारे कई कार्यक्रमों की श्रृंखला दिन भर में है। आज सबसे पहले हमने इस गौहर महल के हमारे विशेष एम्पोरियम का उद्घाटन किया है, जो विशिष्ट तौर से हमने सीहोर जिले के जो बुदनी के टॉयज़ हैं, लकड़ी के खिलौने और हस्तशिल्प, उनको हमने डेडिकेट किया है। ये एक्सक्लूसिव शोरूम है हमारा बुदनी टॉयज़ के लिए। और इसके बाद हमारा शाम को राज्य स्तरीय कबीर और विश्वकर्मा पुरस्कार भी सेरेमनी है अर्बन हार्ट भोपाल में, जिसमें हमारी जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमती दुर्गा बाई पद्मश्री, जो गोन पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, और लता मुंशी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। तो हम अपने 12 जो हमारे उत्कृष्ट वीवर्स और कारीगर हैं मध्य प्रदेश के, उनका हम सम्मान करेंगे। इसके अलावा जो हमारे 7 ओडीओपी जिले हैं, उनमें से 6 में हम आज से एक स्पेशल ICDP की ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रत्येक जिले को हमने 3.6 लाख रुपीज इसके लिए दिए हैं। चंदेरी को हमने 8 लाख दिए हैं, और दतिया में हमारा एक विशेष 7 दिन का एक मेला स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा हमने अभी हाल ही में रविशंकर नगर भोपाल में जो हमारा विंध्या वैली खादी का स्पेशल एम्पोरियम खोला है, उसमें दतिया के गुड़ को भी हमने रखा है। तो इस तरह से हमने 7 जो ODOP हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए विशिष्ट कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई है। और आज जो बाग में जो उत्सव हो रहा है, उसमें प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग सम्मिलित हो रहे हैं मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में, और वहाँ पर जो बाग के शिल्पी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर हमारी जो हस्तकला की उज्जैन के बटीक और जो बाग का जो है वहाँ एग्जीबिशन लगाई है। और इसके अलावा जो GI टैग होता है, GI जो मिलता है, वो बाग के 7 कारीगरों को ऑथराइज यूजर बनने के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, और जिला कलेक्टर ने कुछ आवेदन इकट्ठा किए हैं जो ऑथराइज यूजर्स के वहाँ के कारीगरों को दिए जाना है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के प्रतिनिधि वहाँ पर आए हैं, उनको वो हैंडओवर किए जाएंगे। मैम, ये आज खिलौनों का उद्घाटन हुआ, ये कुछ समय एम्पोरियम है, और हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे 7 जो ODOP प्रोडक्ट्स हैं, उनको अच्छे से अच्छे मार्केटिंग फोरम्स मिले। हम अपने सभी एम्पोरियम्स में और सभी जो हमारे एक्सपो और एग्जीबिशंस होते हैं, उनमें भी इन प्रोडक्ट्स को रखते हैं। और ये विशिष्ट जो एम्पोरियम है, ये हमने इस उत्पाद को सीहोर जिले के डेडिकेट किया है, क्योंकि गौहर महल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमेशा एग्जीबिशंस और एक्सपो होते रहते हैं, और लोग अपने बच्चों को भी लेके आते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पर उनको एक ऐसा फोरम मिल जाएगा जहाँ उनको लकड़ी के खिलौने खरीदने के लिए बुदनिया सीहोर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोपाल में ही उनको एक आउटलेट उपलब्ध रहेगा। तो ये हमारा एक स्थायी व्यवस्था है। थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।